ओम नमः शिवाय। आज मैं इस तरह से इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत बड़ी खबर, एक उत्तराखंड में केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत फिल्म बनी, वहां पे एक सेल्फी पॉइंट बनने का एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, जो मैंने नहीं बताई क्योंकि मेरा अच्छी बात है, चलो लोगों को पता लग ही गया। तो वो सेल्फी पॉइंट अभी वहाँ के पर्यटन मंत्री जिसने बोला था कांग्रेस के अपोजिट में थे, कांग्रेस ने भी अपोज किया था, लेकिन वो अब उसको मना कर रहे हैं। और बिपिन रावत वो बोल रहे हैं कि अभी बिपिन रावत जो है वो जो कर्नल थे मिलिट्री में थे और लास्ट 2021 में उनका हेलीकॉप्टर वाला जो सीन वाला एक्सीडेंट और जो भी हुआ था वो हुआ था, और ये महाराज जो है पर्यटन मंत्री उत्तराखंड, ये कुछ स्पिरिचुअल गुरु भी बोलते हैं अपने आप को, और केदारनाथ के उस टाइम के वहाँ के एरिया के पर्यटन मंत्री, लेकिन अब उन्होंने सेल्फी पॉइंट कैंसिल करके बिपिन रावत का बोला। मैंने आपको तीनों के कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर बता दिया है, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि केदारनाथ कोई आर्मी का प्लेस नहीं है, दिल्ली नहीं, केदारनाथ कोई आर्मी का, कोई देहरादून का एरिया नहीं, तो केदारनाथ कोई मिलिट्री कैंप नहीं। मैं बिपिन रावत के खिलाफ बिल्कुल नहीं हुआ, सैल्यूट आर्मी, इंडियन आर्मी, लेकिन वहाँ ऐसा प्लेस नहीं है, प्लेस के हिसाब से होना चाहिए। अगर कल भगवान ना करे अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे डांस के स्टूडियो में मेरा स्टैचू बना जाएगा, ना कि दिल्ली के वहाँ पे लाल किले पे, क्योंकि मैंने कोई देश के लिए ऐसा बड़ा काम नहीं किया। तो बिपिन रावत जो देश के लिए बड़ा काम किया, उनको वहाँ पे ऐसी जगह पे दिल्ली में या फिर ऐसा कोई चौक या चौराहा या फिर देहरादून में मिलिट्री कैंप या पूना में आर्मी कैंप पे ऐसी जगह पे कुछ बनाया जाए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ के ऊपर फिल्म शिव का वो भक्त था, उसका वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनना बहुत आसान था, क्योंकि कोई स्टेचू या वो नहीं बना रहे, सेल्फी पॉइंट बना रहे जो एक फिल्म स्टार का, एक अच्छे इंसान का, एक ह्यूमन बींग का बन सकता है, जिससे बहुत कुछ सिखा के गया। मेरे हिसाब से आई सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत का वो, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, मैं इंडियन आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ, बिपिन रावत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये पॉलिटिक्स खेली गई है तब मेरी यहाँ खिसक जाती है, बल्कि मैं बहुत योगा करता हूँ लेकिन एज एन इंडियन हूँ, ह्यूमन हूँ, तो मेरी खिसक जाती है, इसलिए क्योंकि पहले पॉलिटिक्स खेली गई कि सुशांत के नाम से नाम कितना होगा इन लोगों का, फिर उनको लगा कि नहीं इतना नहीं मिल रहा है, तो फिर इन्होंने बिपिन रावत का नाम लेना चालू किया। मैं श्योर शॉट बोलता हूँ बिपिन रावत का भी इनको नहीं मिलेगा, तो ये कितना भी डाल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन पे, मुझे एक परसेंट भी भरोसा नहीं। लास्ट में ये कहूँगा, आप सपोर्ट करें इस कैंपेन को, एनसीपी आर्यन खान समीर वानखेड़े छोड़ो, हम लोग सुशांत के लिए हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत का ये सेल्फी पॉइंट केदारनाथ जैसी जगह में बनना चाहिए, इसके लिए वापस से आवाज उठाऊंगा। थैंक यू सो मच।